हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं, वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल पार्ट वन। पहले तो मैं आप लोगों को रिप्रोडक्शन की मीनिंग बताऊं। इसमें दो शब्द हैं बच्चों, री और प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन, देखिए फैक्ट्री में जूते बनाने वाली जो फैक्ट्री है, अगर वो भी प्रोडक्शन करती है, ध्यान देना, क्या करती है? प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन नहीं करती वो, केवल प्रोडक्शन करती है। जैसे जूते बनाती रहती है, बनाती रहती है, लेकिन जो एनिमल्स जितने हैं या प्लांट्स जितने हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी पुनः प्रोडक्शन करते हैं। जैसे एक काऊ से अगर एक शी काऊ बन गई, एक काऊ और बन गई, तो वो भी बच्चे अपना देगी, यानी वो भी दोबारा प्रोडक्शन करेगी। एक नीम का पेड़ आपने घर में लगाया है, तो उसके बीज से और भी नए नीम के पेड़ तैयार होंगे। तो वहां क्या हो रहा है? और वो पेड़ फिर से पेड़ तैयार करेंगे, बार बार प्रोडक्शन हो रहा है। इसलिए चैप्टर का नाम दिया गया रिप्रोडक्शन। जबकि फैक्ट्री में क्या होता है, जूते की फैक्ट्री हो, कपड़े की फैक्ट्री हो, कुर्सी की फैक्ट्री हो, केवल क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। एक कुर्सी बन गई तो वो कुर्सी दूसरे कुर्सी को जन्म नहीं देगी। लेकिन अगर एक घर में आपके जो है डॉगी है, तो उससे दूसरा डॉगी भी बन जाएगा और उसके जैसा ही बनेगा। जैसा एनिमल है, अपने जैसा, अपने ही रूप शक्ल का लगभग लगभग मिलता जुलता अगला ऑर्गेनिज्म पैदा करेगा। इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इसको डिफाइन कैसे लिखेंगे? प्रोडक्शन ऑफ यंग वन या न्यू ऑर्गेनिज्म भी ले सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा लिखो। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड। ऑफ देयर ओन काइंड का मतलब खुद के जैसा, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो भी प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म हो उसके द्वारा प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन काइंड, यानी खुद के जैसा। एक काऊ है तो उससे खुद के जैसा जो नया प्रोडक्शन कर रही है बच्चे का एक, उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक, नए ऑर्गेनिज्म का बनना। ये ऑर्गेनिज्म काफी कुछ, जैसे दो हाथ हैं हम लोगों के, ह्यूमन बींग के दो पैर हैं, नाक है, दो आंख हैं। अगर कोई मान लो फीमेल है, अपने बच्चे को जन्म देती है, तो वो भी उसके जैसा ही दो हाथ वाला, दो पैर वाला, दो आंख वाला, एक नाक वाला, एक मुंह वाला पैदा होगा। कभी ये अलग बात है, कोई नए अंग आदि और जुड़ जाए तो वो क्या होता है? एनामलीज हो जाती है, कमियां हो जाती है, भगवान से भी गलती हो जाती है। ठीक है, इसको अपन वो नहीं करेंगे। तो एक उसके जैसा ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। बच्चों, अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं अपन। रिप्रोडक्शन दो तरह के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
पहला कौन सा बता रहा हूं मैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है असेक्सुअल। दोनों का थोड़ा सा डिफाइन करता हूं, फिर मैं हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। पहले देखो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल का मतलब होता है, सेक्स का मतलब सेक्स ऑर्गन जिसमें इन्वॉल्व हो, यानी जिसमें एक है दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, एक मेल और एक फीमेल, मेल और फीमेल मिलकर के अगर रिप्रोडक्शन करते हैं तो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन मान लो आपके पास में एक गुलाब का फूल है, आपने उसके तीन चार टुकड़े करके अलग अलग जगह लगा दिए, तो एक गुलाब के फूल से चार गुलाब के फूल तैयार हो गए, उसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हुआ, वो क्या हो गया असेक्सुअल। दो पेरेंट्स की जिसमें जरूरत ना हो वो असेक्सुअल, जिसमें दो पेरेंट्स की जरूरत हो वो सेक्सुअल। यानी रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स मतलब मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, जैसे काऊ है तो एक मेल काऊ और एक फीमेल काऊ, डॉग है तो एक मेल डॉग दूसरा फीमेल डॉग, बिच बिची। ठीक है, वैसे ही जितने ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बीइंग में भी एक मदर है तो एक फादर है, लेकिन जिनमें एक ही पेरेंट्स से अगर बच्चे पैदा हो जाए बन जाए तो क्या कहलाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग दे दो, ह्यूमन बींग, इसमें एग्जाम्पल में रोज प्लांट, बहुत सारे अमीबा, अमीबा में देखेंगे आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक ही सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है। तो बच्चों ये सेक्सुअल और असेक्सुअल की डिफाइन लिखा मैंने, अब हम लोगों को डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी है। ये तो बात क्लियर होगी, जहां एक पेरेंट है वो असेक्सुअल, जहां दो पेरेंट्स है वो सेक्सुअल। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। इसकी बात करते हैं बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन बीइंग में होगा
उसमें मैंने बोला दो, एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए। चलो पास इसको शॉर्ट में समझ लो, पहले क्या चाहिए हमको, एक मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए। ठीक, मेल प्रोड्यूस करेगा गैमेट, जिसको बोलते हैं स्मेल स्पर्म, मेल गैमेट, क्या नाम है उसका, स्पर्म। इसको हम इस तरह के शेप से दिखाएंगे, स्पर्म। और फीमेल प्रोड्यूस करेगी फीमेल गैमेट, जिसको हम क्या कहते हैं, एग, ऐसा गोल दिखाएंगे। ठीक, मेल क्या करता है, अपने फीमेल, अपने स्पर्म को फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करता है, और जब ये फीमेल का एग और मेल का स्पर्म आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इनके फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये कौन सी प्रोसेस हो रही है, फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल रहे हैं, इनका मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से फीमेल के बॉडी में एक नया सेल बनेगा, जिसका नाम है जायगोट, क्या नाम है, जायगोट। ठीक, अब इस जायगोट में बार बार सेल डिवीजन होगा, और ढेर सारे सेल डिवीजन होने के बाद ये सेल का गुच्छा बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, इस तरह से एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की डिफाइन लिखाऊंगा मैं आपको, ठीक, ये हो गया जायगोट। जायगोट सिंपल डिफाइन है, ठीक, सेल फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड जायगोट, है लिखना, सेल फॉर्म्ड बाय फ्यूजन, फ्यूजन माने मिलना, ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड जायगोट। बच्चों ये जायगोट की डिफाइन हो गई, और ये किसकी, फर्टिलाइजेशन की। मैंने लिखा है इसकी डिफिनेशन, सेल फॉर्म्ड बाय फ्यूजन, ऐसी सेल जो बनती है फ्यूजन से, किसके, ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, उसको हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन, सॉरी इज कॉल्ड जायगोट। ऐसी सेल जो मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से बनी, उसको हम कहेंगे जायगोट। ठीक, जायगोट बार बार डिवाइड होगा, और इट विल फॉर्म द बंच ऑफ सेल, दिस इज नोन एज एम्ब्रियो, बंच ऑफ सेल, क्या बोला मैंने, ऐसे एम्ब्रियो की डिफाइन में रुक जाओ, थोड़ा सा रुक करके बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगी। ठीक, ये बातें क्लियर होगी। अब यही एम्ब्रियो डेवलप होगा किसमें, बेबी में, इट विल डेवलप इनटू बेबी, कंप्लीट बेबी में डेवलप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि मेल गैमेट में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और वो स्पर्म कहाँ बनता है, वैसे ही फीमेल में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और ये एक कहाँ बनता है, और कहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट मदर के बॉडी में होता है, ये बात करने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं।
ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किन किन चीज का बना होता है, डायग्राम कैसा है उसका, पहले मैं डायग्राम बना दूं, उसी के बेस पे जो अपन आगे बात करेंगे बच्चों, ठीक है। इसमें जो है देखिए मेन जो दो ऑर्गन है वो है टेस्टिस, टेस्टिस कहां होते हैं, दे आर फाउंड इन पेयर, ठीक है। टेस्टिस ये पेयर में मिलते हैं, बॉयज के अंदर मेल के अंदर दे आर सस्पेंडेड बिटवीन टू लेग आउटसाइड द एब्डोमेन, पेट के बाहर नीचे की तरफ दोनों पैरों के बीच में दो गोल गोल जो है ऑर्गन सस्पेंडेड रहते हैं, जहां से पेशाब करते हैं उसके नीचे, उसको हम कहते हैं टेस्टिस। यही मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यही स्पर्म प्रोड्यूस करता है, जो स्पर्म बताया था मैंने, इसका रोल क्या है, प्रोड्यूस स्पर्म। जब ये स्पर्म को प्रोड्यूस कर देगा, इससे एक पाइप निकलती है यहां से, इधर से भी, और जो दोनों पाइपें इस तरह से ऊपर जाती हैं, ठीक है, और ये ऊपर जाकर के बच्चों यहां यूरिनरी ब्लैडर है, ऐसे इधर से भी ये जाएगी, मुड़ करके वापस आएगी, और यहां पर यूरिनरी ब्लैडर से दो पाइपें आती हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है, जो यूरिन लाती हैं, ऐसे इधर भी आएगी, देखिए ये जो दिखा रहा हूं मैं आपको, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसका नाम क्या है, यूरिनरी यूरिनरी ब्लैडर, जरा ध्यान से देखना आप लोग, पेशाब की थैली, क्या कहते हैं इसको, पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली, इसमें पेशाब भरी रहती है। पेशाब कहां से आती है, ये दो पाइपें देख रहे हो, ये किडनी से पेशाब लाती है, एक लेफ्ट किडनी और एक राइट किडनी से, इसको नाम देते हैं हम लोग यूरेटर, क्या नाम इस पाइप का, यूरेटर, आपके बुक में नहीं है ये नाम, यूरेटर क्या करेगी, पेशाब लेकर आएगी, इस थैली में जमा करेगी, और इसी थैली से जो है ये पेशाब इधर की तरफ बाहर पास होता है। अब अपन को जो मेन काम है वो बात करते हैं, अब यहीं से जो है ये दो इस तरह से ये पाइपें आ रही हैं, देखिए ये जो है ये पेनिस है, मस्कुलर ऑर्गन पेनिस, यही जो है स्पर्म को जो है, ये पाइप देख रहे हैं, ये वाली पाइप, ये जाके पीछे से होकर के इसमें जुड़ रही है, इस पाइप से यूरिन भी पास होगा, पास जाएगा आपका पेशाब भी, और इसी पाइप से जो है स्पर्म भी बाहर आएंगे, दोनों आते हैं, और ये जो पाइप है लाके यहाँ पेशाब इकट्ठा रखती है वो यहां से आती है, और ये पाइप घूम करके वापस अंदर ही अंदर इसमें आकर के ओपन होती है वाली पाइप, जो कौन सी जा रही है, स्पर्म डक्ट, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्म डक्ट, डक्ट मतलब पाइप, स्पर्म को ढोने वाली पाइप, और इसका नाम क्या, पेनिस। पेनिस क्या करता है, इट इज मस्कुलर ऑर्गन
विच इज यूज टू ट्रांसफर स्पर्म इन फीमेल बॉडी। ये जो है फीमेल बॉडी में स्पर्म को ट्रांसफर करता है मेल से ले जाकर के। तो बच्चों ये इतना आपके बुक में भी डायग्राम बना है, आप बुक में देखोगे तो आपको समझ में आएगा चैप्टर, ठीक है। इतने ज्यादा नाम नहीं याद करना आपको, टेस्टिस के बारे में जानना है, पेनिस के बारे में डालना है और स्पर्म डक्ट के बारे में, तीन ही लेवलिंग है। ये सिंपल सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किनका किनका मिलकर बना है, इट इज कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस, ये तीन ऑर्गन लिखना है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, ये यूरिनरी ब्लैडर अटैक है, इट इज कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। ये तीन मेन ऑर्गन है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्लियर बच्चों। तो ये डायग्राम हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, मैंने टेस्टिस का रोल लिख दिया है, ये प्रोड्यूस स्पर्म, ये क्या हो गया प्रोड्यूस स्पर्म, और पेनिस का रोल लिख दिया, इट इज मस्कुलर ऑर्गन विच इज यूज टू ट्रांसफर स्पर्म इन फीमेल बॉडी। इसी के थ्रू यूरिन भी पास करते हैं हम लोग, ये जो अंदर पाइप जो इसमें है इसका नाम है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो जिससे पेशाब भी पास होती है और स्पर्म भी पास होते हैं। यूरेथ्रा वो पाइप है जो पेनिस के अंदर चलती है, ठीक। इसी में से हम लोग अपना यूरिन भी पास करते हैं और स्पर्म भी पास इसी से होते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जिस समय यूरिन पास होगा उस समय स्पर्म पास नहीं होगा, स्पर्म तभी पास होगा व्हेन एन मेल एंड फीमेल डू द कपुलेशन, व्हेन दे डू मीटिंग। बच्चों बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, यहां पर थोड़ा सा डायग्राम और बना लेता हूं मैं कि जो स्पर्म है जो ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्टिस कैसा होता है। मैं पूछा गया दो बार तीन बार, दो नंबर का एक नंबर का इसको एग्जाम में डायग्राम पूछा जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पूछ सकते हैं, आपको समझा दिया मैंने। स्पर्म जो है बच्चों इस तरह से जो है ऑर्गन है, इसका जो ये हेड है, ये मिडिल पोर्शन, ये कौन सा है मिडिल पीस, और ये इसकी टेल है, ठीक। स्पर्म का ये स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, बच्चों स्पर्म का डायग्राम है जो कि मेल प्रोड्यूस करता है, मेल में कौन प्रोड्यूस करता है टेस्टिस, ठीक। यही जब जाकर के फीमेल के एग से मिलेगा तब जायगॉट बनेगा। आगे चलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन बच्चों है, इट इज कंसिस्ट ऑफ ओवरी, ओविडक्ट एंड यूटेरस, इट इज कंसिस्ट ऑफ ओवरी,
ओविडक्ट एंड यूटेरस, तीनों के बारे में बताता हूं मैं आपको। देखिए फीमेल के बॉडी में ओवरी इस तरह से आर्गन होती है, और ओवरी से जो ऊपर से इस तरह से पाइप आती है, इधर से भी आती है, इसको देखिए ये है यूटेरस, ठीक, और ये है वेजाइना, और ये है ओविडक्ट, ओविडक्ट, नीचे लिखता हूं DUCT, ओविडक्ट। और यहां पे जो है बच्चों इस तरह से दोनों तरफ गोल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है फीमेल बॉडी में, जिसको हम कहते हैं ओवरी, ये ओवरी, और ये यूटेरस। यूटेरस की दीवारें मोटी होती हैं, इसे ओवरी का काम क्या है, ओवरी रिलीजेज ओनली वन एग इन ए मंथ, हर महीने एक एग को रिलीज करता है। तो लिख देता हूं यहां पे, ओवरी रिलीजेज ओनली वन एग इन अ मंथ, इन अ मंथ, हर महीने एक महीने में एक बार जाएगी ओवरी एग को रिलीज करती। जरा देखें, ओवरी रिलीजेज ओनली वन एग इन अ मंथ, आइदर आप तो ओवरी, ध्यान देना दोनों ओवरी नहीं, दोनों में से कोई एक ही ओवरी एक महीने में एक बार एक एग को रिलीज करेगी, और वो एग कहाँ आएगा, यहाँ फैलोपियन, ये रिलीज करेगी, ये फनल है, इसको हम क्या कहते हैं, फनल लाइक स्ट्रक्चर, देख रहे हैं फनल है, फनल कैच कर लेगी उसको, कैच करके एक को लाएगी यहां, ये एक। अब इसी दौरान जब ये एक रिलीज करती है यहां पे, उसी दौरान मेल क्या करता है, मेल रिलीजेज स्पर्म इन द वजाइना, ये वजाइना में जो है स्पर्म रिलीज कर देगा, और ये स्पर्म यहां से इस तरह से रन करते हुए जाएंगे और किसके साथ मिलेंगे, एग के साथ। कोई एक स्पर्म जब मिल गया इसके साथ, फिर ये वो एग जो है दूसरे स्पर्म के साथ फ्यूजन नहीं करता, ओनली वन स्पर्म विल फ्यूज विद द एग एंड फॉर्म द जायगॉट, अभी जो बताया था मैंने, जायगॉट जब बन जाएगा तो वो आकर के यूटेरस में इस जगह इम्प्लांट हो जाएगा, ये जायगॉट, ये मूव किया इधर जायगॉट, ये जो है यहां से जैसे फर्टिलाइजेशन कहां होगा, ओविडक्ट में, ध्यान देना, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट मूव्स इन द यूटेरस और यहां प्लांट हो जाएगा, और यहीं पे जो है सेल का डिवाइड होना शुरू हो जाएगा जायगॉट में, ठीक, डिवाइड होकर के धीरे 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 डिफरेंशिएशन होगा, हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, ये सब बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही एक एम्ब्रियो जो ये है जायगॉट चेंज होता है गुच्छे में सेल के, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो को, केवल डायरेक्ट ही बदलता है, इसको डेवलप कंप्लीट होने में 9 मंथ लगते हैं, कितने मंथ, 9 मंथ, 9 मंथ में अलग अलग स्टेज होती हैं, उन सभी स्टेज को हम बोलते हैं एम्ब्रियो, डेवलपिंग स्टेजेज, डेवलपिंग स्टेजेज ऑफ द जायगॉट इनटू बेबी इज कॉल्ड एम्ब्रियो, ठीक, और जिसमें जैसे ही आइडेंटिफाई हम कर सकें उसके डिफरेंट ऑर्गन्स को, उसको हम बोलते हैं फीटस, क्या बोलेंगे, फीटस। ये 2-3 डेफिनेशन हो गए बच्चों, जायगॉट, एम्ब्रियो, ये इनके हम कर लेते हैं, और एक कंप्लीट बेबी जो है 9 मंथ में डेवलप हो जाता है, आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बेबी
डिलीवरी ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस थ्रू सर्विक्स, ये जो बर्थ कैनाल बोलते हैं इसको, एंड वजाइना। ठीक, तो दो तीन डेफिनेशन लिखा दूं आपका, ये काम कंप्लीट हो जाएगा। एम्ब्रियो की बात किया था, डेवलपिंग स्टेजेस बिटवीन एम्ब्रियो, सॉरी जायगॉट एंड फीटस, फीटस मतलब बेबी है, इज कॉल्ड एम्ब्रियो। जो जायगॉट से लेकर के धीरे 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 जितने चीजें जाएंगे कंप्लीट बेबी बनने तक के स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, एम्ब्रियो। और फीटस की सही डिफाइन है मतलब डेवलप्ड बेबी इन विच वी कैन ऑर्गेनाइज वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑर्गन्स प्रॉपरली इज कॉल्ड फीटस। वो भी लिख देता हूं मैं, डेवलप्ड एम्ब्रियो इन विच डिफरेंट ऑर्गन्स कैन बी आइडेंटिफाइड, डेवलप्ड एम्ब्रियो इन विच डिफरेंट ऑर्गन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। और फीटस किसमें चेंज हो जाएगा बाद में, बेबी में, और बेबी की डिलीवरी आफ्टर 9 मंथ में हो जाती है। बच्चों ये मैंने आप लोगों को इसकी चीजें बताई सारी कि मेल में यानी ह्यूमन बीइंग में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और उनका रोल क्या है। एग्जाम में दोनों ही चीजें आज की पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी जाती है। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।